हेलो दोस्तों, चाय का वित्त अनुजा में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए सर्दियों की सबसे फेमस मिक्स वेज की सब्जी, जो सर्दियों की सब्जियों से भरी हुई है। सर्दियों के टाइम में मेथी, गोभी, मटर, ये सब सब्जियाँ बहुत आती हैं और ये बहुत हेल्दी सब्जी है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। अगर आपने मेरा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये मैं बता रही हूँ इसके लिए मैंने क्या क्या सामान लिया है। इसके लिए मैंने 2 गड्डी मेथी को धो के काट लिया है और बहुत अच्छे से धोया है, महीन महीन काट लिया है। बस आप धोते पर ध्यान रखिए कि मिट्टी ना रह जाए उसके अंदर। कुछ मटर, आलू, गाजर और गोभी, इन सबको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। हींग लिया है, जीरा लिया है, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, सूखा धनिया और कुछ लाल मिर्च लिए हैं मैंने। अब मैं इसको छौंकूंगी। इसके लिए मैंने एक बड़ी कढ़ाई में 2 सर्विंग स्पून सरसों का तेल लिया। आप ये सब्जी को सरसों के तेल में बनाइए और इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा और लाल मिर्च डाल दिए। लाल मिर्च आप उतनी डालिए जितना आप तीखा खाते हैं और इसमें थोड़ी सी हींग डालिए। हींग थोड़ी ज़्यादा डालिए और सब्जी के अकॉर्डिंग, और 1/2 चम्मच हल्दी डाल दी। हल्दी डालने के बाद मैं इसमें सब्जियां डाल दूंगी, गोभी, मटर और जो मैंने गाजर काटी है। सब सब्जियां का लगभग एक ही साइज़ होना चाहिए। मटर सबसे छोटी ही रहेगी, ओबियसली गोल है वो छोटी, और गोभी, गाजर, आलू, इन सब का एक ही साइज़ रहना चाहिए। हमें सब्जियां बहुत ज़्यादा गलानी नहीं है, बस पकानी है, एकदम घूटनी नहीं है। जब हम सब्जी हमारी ये पूरी बन जाए तो हमें हमारी मिक्स वेज में एक एक सब्जी अलग दिखनी चाहिए। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप इसमें जो सब्जी नहीं खाते हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं और जो खाते हैं उसमें एक आध को बढ़ा भी सकते हैं। अब ये 2 गड्डी मैंने मेथी के लिए, मेथी आप जितनी ज़्यादा डालेंगे ये सब्ज़ी उतनी ही अच्छी लगेगी। अब इसमें मैंने नमक डाल दिया। नमक आप देख के डालिए क्योंकि मेथी अभी बहुत फूली हुई है, अभी ये थोड़ी कम हो जाएगी, तो नमक डालते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिए। हमें सूखी सब्जी जितनी हमने पहले जो सब्जियाँ डाली हुई हैं उसके हिसाब से और थोड़ा सा मेथी के हिसाब से नमक डालिए। एक साथ बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है हमें। अब इसको हम ढक के रख देंगे क्योंकि मेथी अभी थोड़ा सा पानी छोड़ेगी, इसलिए अभी हमें थोड़ा तेज पे ही रखना है इसे। फिर हम इसको कम पे करके, गैस कम करके इसको हम पकाएंगे। हमें सब्जी को पूरे बहुत अच्छे से पकाना है, बस बहुत ज़्यादा घुटना नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब ये देखिए सब्जी काफ़ी गल सी गई है। मैं गोभी और गाजर इन सबको चेक करूँगी कि ये कैसे है, लेकिन गोभी और आलू इसमें काफ़ी गल गया है। तो अब इसके ऊपर हम मसाले डालेंगे। अब इसमें मैंने 1/2 चम्मच लाल मिर्च डाली है और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और इसके अंदर मैं 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर डालूंगी। अमचूर पाउडर ज़रूर डालिए, इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और सब सब्जी में एक थोड़ी सी खटास आ जाएगी। सूखी सब्जी में जब हम ये बाद में मसाले डाल के भूनते हैं तो सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये 1/2 चम्मच में गरम मसाला डाल रही हूँ। हमें सूखी सब्जी में जो हम ऊपर से मसाले डालते हैं तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा, क्योंकि ये मेरे घर के पिसे हुए मसाले हैं, तो भून के ही मैंने पीसे हुए हैं, तो ये जब हम बाद में डालते हैं तो इससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस समय मैंने गैस को पूरा फुल पे कर रखा है और फुल पे करके मैं इसको भून रही हूँ। इसमें जो भी पानी है वो सब सूख जाए। आप देखिए, मैंने देखा आलू पूरी तरह से गल चुका है और एक एक सब्जी इसमें अलग दिख रही है, कोई सब्जी इसमें घुटी नहीं है। गोभी, आलू, गाजर, सब मटर, सब अलग अलग दिख रही है। बस सब्जी, मिक्स सब्जी बनाते वक्त आप ये ध्यान रखिए। आप देखिए ना, तो ये सब्जी मैंने तली है, हैं तलने पे मिक्स सब्जी हम जो बनाते हैं उसमें बहुत ऑयल जाता है। ये बहुत ही हेल्दी सब्जी है और घर में सब लोग इसको बहुत पसंद भी करते हैं, इसलिए आप इस सब्जी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए। मैंने एक एक करके सब चीज़ें इसमें देख ली हैं, गाजर, गोभी,
मटर की सब गल गई हैं। सब ये गल भी गई हैं अच्छे से और भुन भी गई है, तो इसका मतलब हमारी ये सब्जी तैयार है बिल्कुल खाने के लिए। आप रोटी पराठे के साथ या दाल चावल के साथ इसको इंजॉय कीजिए। सर्दियों के टाइम में इस सब्जी को एक बार ज़रूर बनाइए। हमारी एक ही सब्जी के अंदर बहुत सारी सब्जियां आ जाती हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्दी हो जाती हैं, इसलिए आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।